सी एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस डी एम एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम क्लास 7। बेटा चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन और इन दिस एक्सरसाइज वी हैव डन 3 क्वेश्चंस। टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 11 एक्सरसाइज 11.1 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी what is the question. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. Okay, एक perimeter हमको दिया हुआ है कि इसका rectangular sheet है, so उसका perimeter 100 centimeter है. So first of all we all know that what is the meaning of perimeter. Perimeter that means sum of the all sides. Okay, so rectangular sheet है, that means उसकी four side का sum कितना होगा, that is 100 centimeter. It is already given in our question. If द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ओके हमको उसकी लेंथ गिवन की हुई है, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट अ रेक्टेंगुलर शीट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्मूला ऑफ, यस वेरी गुड, रेक्टेंगुलर शीट का हम पेरीमीटर का फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यूज गिवन की है वी विल पुट इट इन इट एंड देन वी विल फाइंड आउट इट्स breath. So let's start from here. You have to write down with me. First, what is given? Perimeter. So here we will write down perimeter, that is 100 centimeter. Okay, or uski length given ki hui hai, so L is equals to 35 centimeter. एंड ब्रेथ हमको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। ओके चलो, सो अभी हम क्या करेंगे बेटा, जो हमको ये फाइंड आउट करना है ब्रेथ, उसको हम लेट करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। Is equals to b centimeter because we don't know what is the breadth of this sheet. Okay, that's why here, okay, we have let it b centimeter. Now write down its formula. Perimeter of a rectangular sheet is equals to kitna diya hua, chalo 2l plus, this is the formula to find out the perimeter of any rectangular shape. Chalo, now here 2l, that is 35 centimeter. Okay, so we will write down here 35 plus, we don't know what is the breadth, that's why here we will write down b as it is. Now 2 को 35 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई आवर बी विथ 2 ऑल्सो, सो 2 × b, गॉट इट। एंड हियर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस शीट, टोटल पेरीमीटर दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, सो हियर वी विल राइट डाउन 100 100। ओके बेटा, आप यहाँ पर देखो 70 लिखो, 2 भी लिखो, या तो फिर आप ये जो लाइन है उसको स्किप करने के बाद, मतलब ये लाइन अगर आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ये 2 जो है वी विल ट्रांसपोजिंग दिस 2 बाई अवर एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी विल यूज़ दिस शॉर्ट ट्रिक। सो 100 ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इफ़ वी विल ट्रांसपोजिंग इट टू एल एच एस दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस 2 विल बी इन डिनोमिनेटर, is equals to 35 plus b. So 100 by 2, 250s are 100. Okay, 100 will be cancelled by 2. So here we have to write down 50. 50 is equals to 35 plus b. If we will transposing this 35 to LHS, so it will be in minus. So 50 minus 35 is equal to b. Now
डू सब्ट्रैक्शन बेटा, सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम माइनस, सॉरी सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 50, सो आंसर विल बी 15, 15. सो हियर वी गोट अवर ब्रेथ. ओके बी हमको कितना मिला 15. ओके इफ पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, सो बी कितना होगा 15 सेंटीमीटर. दिस इज अवर आंसर. ओके हमको जो बोला है फाइंड इट्स ब्रेथ, सो अवर ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर. नाउ सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑल्सो. सो हियर वी विल राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ एरिया. ओके सो इट्स एरिया, आपको पूरा लिखना है कि रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दैट इज ऑल्सो फाइन, और हियर वी विल राइट डाउन ओनली इट्स एरिया. चलो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगुलर शीट है सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ वी हैव फाउंड हियर 15 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट डाउन हियर 35 इंटू 15. एंड वी ऑल नो दैट इफ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया, सो वी विल राइट डाउन इट्स आंसर. ओके इन विच मेजरमेंट, इन स्क्वायर मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर है तो मीटर का, ओनली इन एरिया. ओके सो हियर वी विल राइट डाउन सेंटीमीटर्स स्क्वायर. सो 35 इंटू 15 इट विल बी, इफ यू विल डू मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर देन एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट 525. ओके सो हियर वी विल राइट डाउन 525 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? सो हियर इज अवर आंसर. फर्स्ट अवर ब्रेथ दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट दैट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट बेटा?